स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं बोल के सकते आप लोगों के साथ अगली नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ बछवाड़ा में एक बार फिर शराब माफियाओं की मनमानी देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि हैंडपंप पर कब्जा भी कर लिया गया। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ बछवाड़ा की ग्राम पंचायत हेमलियावाला के गांव चांदावास की घुमार डाणी के लोग सरकारी हैंडपंप पर शराब माफियाओं द्वारा कब्जा कर लेने से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आवागमन के लिए रास्ता नहीं होने से खेतों की तारबंदी कर दिए जाने के कारण डाणी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर बने हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास मंच रामगढ़ बछवाड़ा के तत्वाधान में गुरुवार को ढाणी के लोगों को लेकर मोतीलाल, रमेश चंद्र कुमार, कैलाशी, घासीलाल, छाजूलाल सहित अनेक लोगों ने रामगढ़ बछवाड़ा तहसीलदार को ज्ञापन देकर हैंडपंप पर हो रहे नाजायज कब्जे को हटवाए जाने और पानी भरने की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने तथा आवागमन के लिए रास्ता मुहैया करवाए जाने की मांग की है। तहसीलदार रामगढ़ बछवाड़ा के निर्देश जारी करते हुए वांशेख दो ने ज्ञापन में मार्फत तहसीलदार को बताया कि 2 माह से पीने की पानी के संकट से वांछिते को रूबरू होना पड़ रहा है। शराब माफियाओं द्वारा हैंडपंप पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को करने पर अतिक्रमण तो हटा दिया गया मगर पानी नहीं भरने दिया जा रहा। वहीं उन्होंने बताया कि हैंडपंप के माध्यम से खेती सिंचाई का काम किया जा रहा है। इस मामले को लेकर विकास अधिकारी को 29 मई को शिकायत दी गई थी, जिस पर ग्राम पंचायत सचिव को 5 दिन में पेयजल सुलभ कराए जाने के निर्देश दिए थे मगर कोई प्रभावी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास मंच रामगढ़ बछवाड़ा तहसीलदार रामगढ़ बछवाड़ा को ज्ञापन देकर मामले की जांच कर ढाणी के वांछितों को पानी शुरू करवाने और आवागमन के लिए रास्ता मुहैया करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 35 लोग ढाणी के अंदर निवास करते हैं। राशन की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली लेकिन उन्हें चना अभी भी प्राप्त नहीं। दौसा जिले के लालसोट में प्रवासी मजदूरों व खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को बुधवार से प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं के वितरण का कार्य शुरू किया हुआ। इस दौरान सुबह से ही राशन डीलरों की दुकानें लोगों की भीड़ जमा देखने को मिली। दर्जनों जने दुकान खुलने से पूर्व ही गेहूं व चना लेने पहुंचे। राशन डीलरों ने सुबह 10 बजे बाद ही गेहूं का वितरण शुरू किया। इस दौरान जब उन्होंने लोगों को गेहूं के साथ चना नहीं दिया तो कई जने भड़क उठे। लोगों का कहना था कि उनके फोन पर प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं व प्रति परिवार 2 किलो चने का मैसेज आया है तो उन्हें चना क्यों नहीं दिया जा रहा। बाद में जब राशन डीलरों ने आगे से चने की सप्लाई नहीं आने व 1-2 दिन बाद वितरण किए जाने की जानकारी दी तो लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। इस दौरान कई जनों ने बताया कि उन्हें अब चने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अधिकांश दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी अवहेलना होती हुई नजर आई और लोग कड़ी धूप में परेशान भी दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिला रसद अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि नैफेड से पर्याप्त चना नहीं मिला। कुछ जगह चना पहुंच भी चुका है, वहां वितरण भी किया गया। शेष जगहों पर शीघ्र ही चने का वितरण किया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणियों में खलबली देखने को मिली। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के प्रशासन ने गुरुवार को शहर में अतिक्रमण करने वालों वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत अतिक्रमणियों व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों में खलगली देखने को मिली। SDM JP गुर्जर, तहसीलदार बद्री नारायण मीणा व नगर पालिका EO नवरतन शर्मा की अगुवाई में पुलिस व नगर पालिका कर्मियों ने यह अभियान नगर पालिका कार्यालय से शुरू किया। अभियान के दौरान चाय की थड़ियों व दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हुए मौजूद भीड़ को पुलिस कर्मियों ने कार्यवाही की चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया। इसके बाद यह दल अशोक सर्किल, जवारगंज सर्किल व पुरानी अनाज मंडी क्षेत्र में पहुंचा, जहां दुकानों के आगे जमा अतिक्रमणियों को देखकर SDM JP गुर्जर भड़क उठे और उन्होंने मौके पर ही पालिका कर्मियों को अतिक्रमणियों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पालिका कर्मियों ने मौके पर ही अतिक्रमणियों की रसीद काटकर जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई की। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।